एक ऐसा विषय जिस पर अब मॉनसून है, बारिश हो रही है, देश भर में भारी बारिश का दौर भी जारी है। आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार भी हैं, अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन यही जो हाल है ये पड़ोसी मुल्क चीन का भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 14 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के अनुमान है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश को बारिश से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले 75 सालों में हिमाचल प्रदेश में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। हिमाचल प्रदेश में 700 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। बारिश और बाढ़ से 241 दुकानें बह गईं। तो वहीं हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 650 से अधिक सड़कें बंद हैं। अगर बात करें एमपी की तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर संभाग में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि रीवा, सतना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पड़ोसी मुल्क चीन में भी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ की स्थिति है, जहां बाढ़ के बाद कई कारें बहती दिखीं। चीन में कई फ्लाइट और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।